Hello, good morning and welcome back to the channel. This is the day 4, basically the last day jab hum ghoom payenge dhang se, kyunki kal hamari flight hai 3 ya 2:45 ke around. Aur kal basically jaise aapko pata hi hai ki disappointment at the end of the day and hum soye hi 5 baje subah. Soye hi subah to obviously uthna bhi late tha. Uthe hum 1 baje dopahar ke, fir काफ़ी कुछ प्लान्स बने यहीं पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके. अब हम अराउंड अबाउट 3:35 हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके रेडी होके नहा धो के अब निकलने के लिए रेडी हैं. वी आर अप फॉर साउथ गोवा एंड अगुआडा फोर्ट, बट अब पता नहीं कितना कवर होगा क्योंकि ऑलरेडी 3:35 हो रहे हैं. सो लेट्स सी, अब चलते हैं. वी आर ऑल सेट टू गो. रूम बहुत मेसी हो रखा है, दिखाने लायक है नहीं, तो छुपाओ छुपाओ छुपाओ. अगुआडा फोर्ट, वहाँ से हम एंटर किए हैं. ऐसा सा कुछ एरिया है यहाँ पे, ये ऐसा. अभी हम भी यहाँ पे बेसिकली फोटोग्राफी के लिए अच्छा पॉइंट है क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है. उस साइड आई गेस अभी यहाँ से ढंग से देख नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे बीच हो. अभी यहाँ से ऊपर भी जाने का रास्ता है यहाँ से, एंड ऊपर चढ़ के भी थोड़ी फ़ोटोज, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी हैं फिलहाल. तो वही हम उस एरिया में आ गए जहाँ पे मैं कह रहा था शायद बीच है. इस साइड पे बीच नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे अरेबियन सी का ही पूरा व्यू है. यहाँ पे भी मतलब पीछे तक एक बस एक दो बोट्स दिख रही हैं और कुछ नहीं. आज हाइट हाइट उतनी लग रही है यहाँ पे, या फिर मे बी वो सिर्फ बीचेस पे होती हैं. बट एज़ यूजल हवा चल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है. और बस मतलब आप फोटोग्राफी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, नो डाउट. काफ़ी टूरिस्ट हैं, अभी भी फोर्ट बचा है, कुछ देखने लायक है. लेट्स सी क्या होता है. मेरे को फोर्ट की हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं पता क्योंकि जहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ, तो हम पढ़ने भी नहीं जा सकते. एंड गाइड्स वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, अभी तो नहीं दिख रहा. मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ ऑफ सीजन या पता नहीं क्या है, बट यहाँ का व्यू यार काफ़ी अच्छा. क्या कर रहा है, क्या 6:38 इज, वी आर बैक टू होटल. आधे घंटे पहले अराउंड आ गए थे, थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं लग रही थी, पेट गड़बड़ लग रहा था, बट ठीक है. अपना एक देसी इलाज है, कोल्ड ड्रिंक में प्रेफरेबली लिमका, उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के पीला थोड़ा सा बेटर हो जाता है. अब परफेक्टली फाइन है. अगुआडा फोर्ट के बाद डायरेक्ट हम होटल ही आए थे. आज का हम ज़्यादा दिन हेक्टिक रखना नहीं चाह रहे, इसीलिए क्योंकि लेट भी हो गया था. 5:30 तो हमें निकलते ही हो गए थे, तो उसके बाद साउथ गोवा जाना पॉइंटलेस हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद ही हो जाता, अंधेरा हो जाता. एंड अब फिर हम मे बी हम स्विम के लिए जाएंगे थोड़ा सा नीचे. ऑलमोस्ट 8:30, 8:25 के अराउंड हो रहे हैं. अब हम निकल रहे हैं नहा धो के बेसिकली होटल से, और अभी जाएंगे. भूख लग रही है तो टीटोस लेन जाएंगे, वहाँ कुछ ट्राई करेंगे खाने का. टीटोस लेन बेसिकली सेम लेन है जहाँ पे हम कल क्लबिंग गए थे. टीटोस और मैम्बोज वहाँ के सबसे फेमस क्लब्स हैं. अब वहाँ पे कुछ हम थोड़े हैपनिंग से स्ट्रीट है, तो आज संडे भी है, तो ऑब्वियसली हम अकॉर्डिंगली देखने जा रहे हैं कि कैसा सीन है वहाँ पर, और कुछ खाएँगे. भूख बहुत तेज़ लग रही है. क्लब मैम्बोज बेसिकली, और ये अंदर से लिंक्ड है टीटोस के साथ. बेसिकली यहीं हम कल थे दोनों जगहों पे. अभी भी 9:30 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी, अभी 8:30 के अराउंड हो रहे हैं. और बेसिकली दोनों क्लब्स टीटोस लेन के बिल्कुल एंड में है, जैसे बिल्कुल बीच साइड पे. मैम्बोज बीच साइड पे पड़ता है, उससे पीछे थोड़ा सा टीटोस पड़ता है बेसिकली. तो काफ़ी हैपनिंग सी बोया, अभी हर जगह मैचेज एंड ऑल चल रहे हैं. अभी 9:30 बजे के बाद सारे क्लब्स ओपन हो जाएंगे फिर से. संडे है, थोड़ा क्राउड कम है कल के मुकाबले. तो बेसिकली आफ्टर टीटोस लेन हमने टीटोस लेन पे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी. उसके बाद हम निकले थे ड्राइव पे, कहीं ड्राइव करके आए हैं. मैंने आज तक अभी गाड़ी नहीं चलाई, मैंने अभी गाड़ी चलाई है लगभग हाफ एन आवर. और उसके बाद हम बेसिकली जहाँ पे हम सेकेंड डे पे आए थे, ब्राउन टाउन कैफ़े, वहाँ पर आए हैं. अभी दोबारा उसी एरिया में आए हैं और कुछ खा पी के हम यहाँ से, अब तो
मतलब हाफ पेट फुल है, हाफ पेट फुल है, वाओ। तो आधा पेट भरा हुआ हमारा एंड आफ्टर दैट हम होटल ही जाएंगे या फिर जैसा भी होगा देखते हैं, अभी वो आगे से प्लान करेंगे। सो डन विद द डिनर, वही पास्ता वास्ता खाया था। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा, ला पोर्चुगेज़ा जगह का नाम था जहाँ पे हम जिस रेस्टोरेंट में रुके हैं, मस्ट ट्राई है वाइट सॉस पास्ता, मस्ट ट्राई, मोज़रेला चीज़ के साथ ना मज़ा ही आया था यार लिटरली। ये है आपका कैंडलिम है ना, ये कैंडलिम में है बेसिकली, नो डाउट इट वॉज लाइक बहुत टेस्टी था यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पूरा नहीं खाया गया मोज़रेला चीज़ की वजह से शायद, बट ठीक है यार, मतलब दिल नहीं भरा, पेट भर गया दिल नहीं भरा। वहाँ पे म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा था, लाइव म्यूज़िक चल रहा था भाई, सही में चला रहा हूँ, वो झूठ थोड़ी बोल रहा था, ये प्रूफ के लिए वीडियो बनाई है बस और कुछ नहीं। सोच के बताओ हम कर क्या रहे हैं अभी। नहीं सोच सकते, मुझे पता है, लेकिन मैं बस ऐसी कुछ फन एलिमेंट डाल रहा था। हमारा सब काम खत्म हो गया, हम बिल्कुल अपने जहाँ से हमने गाड़ी रेंट पे ली उसके बाहर ही खड़े हैं। सुबह बस चाबी देनी है उसको, उसकी गाड़ी उसके सामने खड़ी होगी। यहाँ पे सिर्फ हम ये कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी जब हमने कार ली थी रेंट पे हमें ऑलमोस्ट हाफ टैंक मिला था, पता नहीं पिछले जिन्होंने रेंट पे ली थी उनका था या जिसका भी था, हमने दो दिन के अंदर कार में सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। और फिर एट लास्ट हैं तो दिल्ली वाले, ऊपर से पंजाबी, तो सारा काम खत्म हो गया है, सब हम होटल के सामने खड़े हैं, फुल पे एसी चलाया हुआ कि पेट्रोल खत्म हो, वो 200 रुपए का भी मत लो। एसी लगा के ठंड लग रही है लेकिन एसी चलाएंगे, फुल पे चल रहा है, कुछ नहीं, जितना भी बचा भी खत्म करके जाएंगे, बिल्कुल इतना सा देके जाएंगे, इतना सा बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे इसको आराम से। देखो सो अभी हम लोग आए होटल, इट्स 12:00 इन द नाइट। आज का दिन थोड़ा रिलैक्सिंग रखा था कि कल भी हमारी ट्रैवलिंग है तो उसमें भी, वैसे तो फ्लाइट में जाना पड़ता, काम तो क्या होती ही है। 3:45 के अराउंड हमारी फ़्लाइट है और हमारा चेकआउट 10:00 है, पता नहीं हम बीच में क्या करेंगे, देखो कुछ जुगाड़ लगाते हैं लेट चेकआउट करके। और वैसे तो अराउंड अबाउट 1:30 तक हम कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट भी पहुँच जाए। आज का दिन जैसे बोला रिलैक्सिंग था, सुबह से ही लेट स्टार्ट हो गया, कल का बहुत टायरिंग हो गया था, सुबह सोए 5 बजे थे। आज हम अगुआडा फोर्ट गए, फ़ोटोज़ खींची क्योंकि दूसरों को भी दिखाना है कि हम वो क्या है कहीं। तो फोटोज़ खींची बेसिकली फोर्ट के आसपास या सॉरी अंदर, एंड आफ्टर दैट आके स्विम किया होटल में, रिलैक्स किया, चिल किया। उसके बाद हम गए आपका टीटोज़ लेन, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर लॉन्ग ड्राइव एंड आफ्टर दैट डिनर। सो बेसिकली दैट सम्स अप आवर डे। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, वी आर नियर टू राउंड अबाउट 500 सब्सक्राइबर्स। आई होप दिस होल सीरीज़ इसकी वजह से हम पूरा 500 का मार्क क्रॉस कर जाएंगे। मे बी ये लास्ट वीडियो इससे पहले हम कर चुके हों, तो अटिल देन फाइंड योर ओन रीजन टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम गोवा। अभी हम होटल में ही हैं, 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है, आज की हमारी फ़्लाइट है वापस जाने की। और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके हम आए, उठे ही 9:30 थे, मतलब गुलू से पहले उठ गया था, बट फिर भी 9:30 उठ के फ्रेश होके हम ब्रेकफास्ट करने गए हैं। 10 बजे हमारा चेकआउट टाइम था, अभी ऑलरेडी 10:30 के अराउंड हो रहे हैं, हमने 10:30 तक एक्सटेंड कराया था, बट अभी नहाना है, पैक करना है, पैक ऑलमोस्ट रात को कर लिया था, फिर भी लास्ट का सामान थोड़ा सा पैक करने में भी टाइम लगता है, वो सब करना है, अभी उसके बाद निकलना है। हमारी 2:45 की फ़्लाइट है, 3:00 की, सॉरी 3 बजे की फ़्लाइट है। और आज थोड़ा सनी डे है, जो हमने पिछले 4 दिन में नहीं देखा, आज थोड़ा सनी है दिन। और लेट्स सी, अभी हम टैक्सी का भी अभी हमें सॉर्ट करना है कि कैसे, कोई क्योंकि सस्ता नहीं मिल रहा, बट हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे उस, लेट्स सी 1000 तक हो जाए। तो बस आज का तो सिंपल एंड सॉलिड प्लान है, बस दिल्ली जाना है और ख़त्म। होटल के बारे में रिव्यूज़ है तो डी ग्रैंड रिवियरा नाम था, क्वाइट गुड होटल, क्वाइट गुड प्राइस। हमें ब्रेकफास्ट के साथ लगभग ये 4 दिन के लिए हमें मिला अराउंड 8,000 फॉर 2 पीपल। सो बहुत अच्छा, उसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा होटल है, पूल है, वाईफाई है, वाईफाई की स्पीड कभी कभार बहुत अच्छी आ जाती है, बट नॉर्मली ठीक ठाक है। और रूम्स भी बहुत सॉर्टेड और प्यारे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू फॉर दैट। ब्रेकफास्ट इज़ अबव एवरेज आई वुड से,
बट रूम्स एंड द पूरा होटल बहुत अच्छा है. सो 12:10 हम अभी निकले होटल से और यहाँ से राउंड अबाउट एक घंटा लगेगा होटल पहुँचने में, सॉरी एयरपोर्ट पहुँचने में, और उसके बाद जस्ट हम फ्लाइट पकड़ लेंगे एंड बैक टू दिल्ली. और मज़े की बात, हमने वैगनार की बात की थी आने के लिए एंड पता नहीं कैसे इनोवा आई है, इनोवा क्रिस्टा. अब अगेन किस्मत, वैगनार के रेट पर इनोवा, वाह. कोई किस्मत अच्छी नहीं है. पोपो कट गया हमारा फिर से आज इन कटता भी तो कट गया. साल ने आगे लाके कहा कि वैगनार सर आपकी चेंज होगी, बस यहाँ तक आपको इनोवा मिला रहा था. दो पल की खुशी यार, दो पल की खुशी बाबू भैया, दो पल की खुशी. बैक टू औकात. कॉमेडी. सिक्योरिटी में ट्रे रखी जिसमें बेल्ट उतारनी होती है एंड इधर की साइड आई है गुरु की बेल्ट गायब, उसके शॉर्ट्स लूज हैं दिल्ली तक. एनी हाउ उसको मैनेज करना भी बोला सिक्योरिटी को, कि सिक्योरिटी कह रही है कि हम ढूंढ लेंगे बट टाइम नहीं हमारे पास. भाई दिल्ली गर्मी बहुत हो रही है, जुगाड़ से टैक्सी मिली है ठीक ठाक पैसे में. लेट्स सी घर पहुंच के, आई विल ब्रीफ यू अप. एक घंटे में लगभग पहुंच जाएंगे. सो 7:30 मैं पहुंच गया घर गुरु को ड्रॉप करते हुए रास्ते में. और टैक्सी में बहुत बुरी हालत हो गई यार, क्योंकि एसी नहीं चल रहा था और दिल्ली की गर्मी 40 प्लस चल रहा है, 40 आई गेस 45 प्लस भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड सो या दैट्स इट फॉर द ट्रिप. आई होप कि अगली ट्रिप पे अभिषेक भी मुझे ज्वाइन करे. बहुत जल्द उससे आज ही जाके मिलूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, और बात करता हूँ उससे कि क्या सीन है इरेगुलरिटी का. यार अगली ट्रिप कब बनेगी या कुछ क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, बट विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि रुका नहीं जाता. एंड लेट्स सी कहाँ का प्लान करते हैं. इट वॉज जैसा मैं आप गोवा के बारे में आपको बता दूँ, जैसे हमने जो किया है हमने थोड़ी रिलैक्सिंग सी ट्रिप की थी, हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया वो भी हमारा अटैम्प्ट था, बट हमने थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस किया रिलैक्सेशन पे, कि रिलैक्स करें यार मतलब इन्जॉय करने आए टाइप्स. तो दो चीज़ें हैं कि या तो आप रिलैक्स करने जाओ या फिर आप एक्सप्लोर करने जाओ. दोनों चीज़ें हैं, पार्टी के लिए ठीक है अच्छी प्लेस है, बट हमारा एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं था मे बी बिकॉज ऑफ ऑफ सीजन. बट ठीक है, आपको दोनों में से आप दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए कि दिन कितने लगेंगे या फिर आपने कहाँ रहना है एंड स्टफ. वो आप देखो, रिसर्च करो इंटरनेट पे, एंड हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मे बी आपको कुछ लर्निंग्स मिली हो. सो टिल देन फाइंड योर ओन रीजन टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप लाइकिंग. कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, हमें बताओ हमारी वीडियोज़ कैसी हैं. Much appreciated comments. Thank you so much. Till then, we'll see you. Dekhte hain kab. I hope soon. Bye bye.